हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग घर पे अच्छे होंगे और घर पे जो है आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना भी रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को यूज ऑफ इट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है आप लोगों को यूज ऑफ इट में जो है बताया था। एग्जाम्पल बता देना है, 6 बजे है, इट इज सिक्स ओ क्लॉक। 7:30 बजे हैं, इट इज 7:30। सवा 8 बजे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। वैसे ही जो है 11:45 बजे हैं, इट इज क्वार्टर 2। पौने 11 बजे हैं, इट इज क्वार्टर 2:11। वैसे ही हमने कल बताया था कि 2:10 हुए हैं, इट इज 10:03। 3:10 हुए हैं। वैसे ही जो है 8 बजने में जो है 2 मिनट बाकी है, इट इज 2:08। यानी 8 बजने में जो है 2 मिनट बाकी है, इट इज 2:08। वैसे ही जो है आज जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जैसे टाइमिंग में होता है, ये कभी कभी जो होता है घड़ी जो होती है कभी तेज भी चलती है तो कभी स्लो भी चलती है, ठीक है? तो उसका हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बताया था। और जो दिक्कत हो तो उसे जो है आप लोग जब कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखेंगे। जैसे बोला जाता है 7 बजने वाला है, 7 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 7 o'clock, इट इज जस्ट ऑन 7 o'clock। वैसे ही जो है 10 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 8 o'clock। तो ऐसे जो है आप इसको बना सकते हैं, और जिससे जो दिक्कत हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं उसका सोल्यूशन करूंगा, कि उसका जो है कैसे एक बार और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसके बाद से जो है मेरी घड़ी देखिए यहाँ पे, मेरी घड़ी 10 मिनट तेज, मेरी घड़ी 10 मिनट तेज चलती है, मेरी घड़ी 10 मिनट क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट तेज चलती है, यानी टाइमिंग जो है आपका 2 बज रहा है, तो उस घड़ी में कितना टाइम होगा, 2:10 होगा, यही हुआ इसका मतलब। यानी टाइमिंग जो है आपका जो है एक्स्ट्रा होगा, 10 मिनट तेज चल रही है यानी 2 बज रहा है, लेकिन आपके घड़ी में कितना हो रहा है जी, 2:10 हो रहा है। वैसे ही जो है मेरी घड़ी जो है 20 मिनट जो है तेज चल रही है, तो उसके हम क्या बोलेंगे जी, वो जो है 2 बजने में क्या हुआ जी, 2 बजने क्या हुआ, वो जो है 30 मिनट जो है तेज चलती है, यानी 2:20 हो जाएंगे। तो जितना तेज चलती है, तो यानी कि मेरी घड़ी का क्या होगा जी, माई वॉच। तो यहां पे देखिए तेज चलना है, तो यहाँ पे किसके यूज करेंगे जी, गेंद का,
तो गेंस माई वॉच गेंस कितना मिनट तेज चलती है जी 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ए डे 10 मिनट ए डे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माई वॉच गेंस My watch gains 10 minutes in day. मेरी घड़ी जो है और इस तरह से जो है जैसे इसके बाद जो होती है मेरी घड़ी जो है 20 मिनट सुस्त है या वो जो है धीमे चलती है मेरी घड़ी 20 मिनट मेरी घड़ी 20 मिनट धीमी या सुस्त चलती है। धीमी बोल सकते हैं या सुस्त चलती है मेरी घड़ी। देखिए यहां पे मेरी घड़ी 20 मिनट सुस्त चलती है यानी टाइमिंग आपका कितना हो रहा है जी 12 बज रहा है तो आपके घड़ी में कितना होगा जी 11:40। 20 मिनट सुस्त का मतलब क्या हुआ वो जो है जब 12 बजेगा तो आपकी घड़ी में कितना बजेगा जी आपकी घड़ी जो है 20 मिनट सुस्त चल रही है तो आप में जो है कम बताएगा इसे हम लोग बोलते हैं सुस्त। और वही जो है आगे चलती है तो टाइमिंग जो है आपका जितना हो रहा है उससे ज्यादा क्या हुआ आपका टाइमिंग बताता है। जैसे आपको मैंने बताया 2 बजे आया लेकिन घड़ी में क्या हुआ आपकी घड़ी जो 10 मिनट फास्ट है जिसके यहाँ पे 2:10 हो रहा है तो मेरी घड़ी जो होती है 20 मिनट सुस्त या धीमी चलती है माई वॉच। अब देखिए सुस्त या धीमी चलने का मतलब है तो लॉस होता है माई वॉच लॉसेज लॉसेज कितना है कि तो ये जो है आपकी जो चल रही है तो 20 मिनट माई वॉच लॉसेज 20 मिनट 1 डे। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं घड़ी मेरी घड़ी ठीक चलती है मेरी घड़ी ठीक चलती है यानी हमने जो है आपको इसके पहले जो बताया था कि मेरी घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे चलती है तो मेरी घड़ी जो है वो 20 मिनट पीछे चलती है। अगर कोई बोले कि आपकी घड़ी की टाइमिंग जो है क्या ठीक चलती है तो इसको कैसे बनाएंगे तो माई वॉच क्या लिखेंगे जी माई वॉच नाइदर गेंस माई वॉच नाइदर गेंस और लॉस यानी मेरी घड़ी जो है ना तो आगे चलती है और ना ही पीछे चलती है यानी वो ठीक चलती है माई वॉच नाइदर गेंस और लॉस। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं और इसमें जो भी दिक्कत हो उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें क्योंकि अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को उस जो जहां दिक्कत होगा उसे जो है मैं फिर से बताऊंगा।